गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज है 6 अक्टूबर और आज है अयान का वैक्सीनेशन डे, तो हम लोग जा रहे हैं अयान की वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अयान फटाफट रेडी होते हैं और हम निकलते हैं। तो जब तक मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ, तब तक एक छोटी छोटी क्लिप्स थी जो कि मैंने यू नो वहाँ से ट्रिप से आके अपनी शूट करी थी, आप जब तक नवरात्रि की वो जाके तैयारियाँ देखो और मिलती हूँ आपको डॉक्टर पर जाके। बड़े वाले चार ये यहाँ से डाल के दे देंगे, हम सुबह खोलेंगे, सुबह सब साफ करते हैं। इसमें लाइट ज्यादा पड़ रही है, छानेंगे ना पहले। अरे उस पर लाइट ज्यादा पड़ रही है। जब यहाँ पर बंदा है बस टेंशन नहीं। आप पूछ रहे थे ना अभी सुबह के नीचे लगाएंगे या ऊपर लगाएंगे, है ना? कहाँ लगाना, अब तो स्ट्रॉन्ग बॉय है, अब तो लगवा सकता है ना, यहाँ लगवाना है। ठीक है, चल ग्रेट। डर लग रहा है ना, डर लग रहा है। राइट, ओके। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप जो हैंड बेसिकली यूज करते हो खाना खाने के लिए, काम के लिए, उस पे मत लगवाओ, दूसरे लेफ्ट पे लगाएंगे वो। ठीक है, कुछ नहीं होगा उसमें। यार आपको याद है, आप छोटे होते से यहीं पे आ रहे हो, है ना? Now you are a 10 years grown up. डॉक्टर ड्राइविंग, फिर जो आप बाहर खेलते हो स्कूल में खेलते हो, कौन सी गेम खेलते हो स्कूल में? आप इधर देखो, मुझे देखो, आप वहां मत देखो। ग्रेट, स्ट्रॉन्ग बॉय। एंड यू आर लाइक अ मम्माज बॉय। मम्मा को भी डर लगता है, आपको भी नहीं, है ना? ग्रेट। सो गाइस, वैक्सीनेशन हो चुकी है अयान की और आपने देखा अयान बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉय बना, बहुत ही अच्छे ढंग से उसने लगवाया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और मुझे पता है हाइट आपकी अभी 4 समथिंग है एंड ही वाज टेलिंग कि अच्छी जाएगी भी तेरी अभी हाइट और अच्छी जाएगी। 6 तक? नहीं नहीं, वो बताया उन्होंने मुझे सब कुछ। और पापा जी 6 तक? हाँ। सो बस चलो चलते हैं घर। और मुझे एक दो चीज़ें और पूछनी थी, मैंने वो सब पूछा कि कैसे कैसे बॉयज़ का क्या क्या यू नो चेंजेस आते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए चीज़ें, तो वो सब मैंने पूछा। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यू नो काम भी समझाया, सो आई एम वेरी मच इम्प्रेस। सो लेट्स गो, जल्दी 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 कर, जल्दी
इसी माने तो वो पी खा रहे हैं। आए पानी है, इवन अंदर रख, जल्दी रख। हाँ चल, वेरी गुड वेरी गुड। 1 2 3 पूरा पिज्जा निकल गई, निकल गई, चली गई, चली गई, चली गई। पानी पिज्जा पिज्जा चक्की थोड़ा मानी हो ना, पानी पी ले, चक्की नहीं मारते। पिज्जा पानी पानी पूरा पिज्जा पानी ऊपर कर करता हूं। हां ऊपर कर, मैं जैसे मैं करती हूं। क्या कर रहे हो, क्या टॉवल दो तू, चली गई ना अंदर। देखा, गुड बॉय, स्ट्रांग बॉय यार, चली गई ना। देख अंदर ऐसी होते, बस हो गई, चली गई। चबाते नहीं है गोली को, बेवकूफ। गोली यहां से पकड़ के पानी पी ले। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए घर वापस, और जैसे आपने देखा यार ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है अपना इंजेक्शन लगा लिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मेरे को तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा कि इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा ये है, इंजेक्शन से बिल्कुल नहीं डरा। और बाद में जब इसको मेडिसिन देनी थी, ये बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि नहीं मैं टैबलेट नहीं खा पाऊँगा, मैं सिरप लूँगा। फिर सब ने इसको बोला, अब तू बड़ा हो गया है तो एटलीस्ट ट्राई तो कर एक टैबलेट खाने का। तो मैं मार्केट गई थी, यू नो, कैमिस से, क्योंकि आज संडे था तो मुझे याद नहीं था कि सारी कैमिस बंद थी। तो मार्केट पे शान ने बोला, आप आ जाओ यहाँ पर मिल रही है, कैमिस खुला हुआ है, तो मैं ले देता हूँ। तो बस वहीं से जो है शान ने बोला, चल मैं आप देखो टैबलेट यहाँ पे सब अपने सामने खिला के भेजूंगा, सो दैट घर जाके यू नो तो समीक्षा को कोई दिक्कत ना हो, अकेले इसको फीवर चढ़े या कुछ भी हो। तो बस इसको, और मैंने वहाँ पे भी इसको लालच दिया कि फटाफट मैं व्लॉग बनाऊंगी, देख ले कितना स्ट्रांग बना, सब लोग देखेंगे। स्ट्रांग बन के जैसे तूने इंजेक्शन लगवा लिया, वैसे ही स्ट्रांग बन के टैबलेट खा ली, और फाइनली इसने खा ली। सो बस अभी आ गए हम लोग घर, और मैं अभी एक दो काम रह गए थे, मैं मशीन लगा के गई थी। सबसे पहले वो कपड़े जो हैं वो सुखाती हूँ, और बस चेंज करती हूँ कपड़े। और सबसे बड़ी बात, कोई जज नहीं करेगा ये मैंने वही वाला कॉर्डजेट पहने है, वो मैंने पहना था 1 अक्टूबर को, और आज 6, तो मैंने ये नहीं कि वो अगले दिन ही वो चीज़ यू नो पहन ली, सेम ब्लॉग था। तो यार ये ना गर्मी बहुत है बाहर, पता नहीं अभी भी अक्टूबर में ऐसे लग ही नहीं रहा कि हाँ अभी अक्टूबर का यू नो मंथ चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे दिल्ली में तो। और ये बहुत ही अच्छा यू नो कम्फर्टेबल मुझे लगा। फिर मेरे को स्कूटी वगैरह ड्राइव करके जाना था, तो मैंने कहा चलो यही पहन जाती हूँ, ठीक है। तो फटाफट मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, एक दो जो मैं आपको बता रही हूँ, कपड़े का, लंच का, खाना पीना, और फिर मिलती हूँ उसके बाद। हाँ जी, तो दोस्तों मैंने अपने कपड़े जो है वो सुखा लिए हैं, और साथ में अब मेरे को याद आया कि मेरे पास जो है थोड़े से अपने राइस पड़े हैं उबले हुए, और क्योंकि हमने कल राजमा चावल बनाए थे तो उसके साथ राइस जो है मेरे बच गए। तो अब लंच भी बनाना है, कुछ सब्जी भी नहीं समझ आ रही, ना हिम्मत है पूरी बनाने की, तो सोचा क्यों ना कुछ तिकड़म कर लीजिए, और जो चावल है इसी को थोड़ा थोड़ा तड़का लगा के जो है फ्राइड राइस बनाई जाए। तो मैं अपने यहाँ पे जो है प्याज टमाटर ले आई हूँ, और ये सारी चाइनीज सॉसेस मैंने निकाल ली है। तो फटाफट शुरू करते हैं और लगाते हैं तड़का फ्राइड राइस को। सो गाइस, यहाँ पे मेरी सब्जी वगैरह कट हो के रेडी हो गई हैं, और मैं यहाँ पे अपनी घर की, अपने यू नो गार्डन की जो ग्रीन चिली है वो यूज़ कर रही हूँ। मैं वो तोड़ के लाई हूँ, मैंने ये वॉश कर ली है। सो लेट्स सी कैसी होती है। कल परसों शाम ने डाली थी आई थिंक किसी चीज़ में, तो ये लाइक बहुत ही हमेशा बहुत ज़्यादा। अभी मैं सोच रही हूँ मैं डालूँ या ना डालूँ, ये ना हो कि ज़्यादा स्पाइसी हो जाए और आयाम ना खा पाए। और एक चीज़ और, आपको पता है गाइस, आज से जो है 6 अक्टूबर है, और आज से बिग बॉस 18 जो है स्टार्ट होने वाला है। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है उसके लिए। आप में से कौन कौन एक्साइटेड है ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना। और कुछ कुछ यार जैसे आपको पता है वीडियोस पहले आ जाती हैं, और थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि वो कंटेस्टेंट आ रहे हैं, तो उसमें से कुछ कुछ जो है मेरे फेवरेट भी हैं। अगर वो लोग आ गए तो धमाल होने वाला है, मज़ा आ जाएगा पूरा बिग बॉस सीजन 18 देखने में। सो वेट करते हैं शाम तक, देखते हैं कौन कौन आता है। यहाँ पे जो हमारे फ्राइड राइस हैं वो रेडी हो गए हैं, और जब मैंने बना लिया ना तब मुझे रियलाइज हुआ यार शिमला मिर्च नहीं है, अगर वो होती ना तो और ज़्यादा टेम्पटिंग लगते। सो बहुत ज़्यादा गर्मी है, फटाफट जाके अपना लंच एंजॉय करते हैं और मिलते हैं उसके बाद। सो गाइस, हमारा बिग बॉस जो है स्टार्ट हो चुका है, और बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं। ईशान भी आ गए हैं घर पे, और मैं अपने कपड़े वपड़े चेंज करके फ्रेश हो चुकी हूँ, और ये दोनों देखो ड्रामे कर रहे हैं। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया ना, कह रहे ओहो ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट हो गई। तो मैं पता है शान, लास्ट वाले ब्लॉग में तुम्हारे पे कितने अच्छे कमेंट आए थे कि शान जी का मैंने वो देखना है, सबने कमेंट करे कि शान जी की ब्लॉगिंग देखनी है। ये मैंने डाल दिया।
जल्दी डालो दोनों के दोनों। अच्छा चलो ये बता दो तुम्हें बिग बॉस कैसा लग रहा है अभी तक के जो चार पांच बंदे आए? जितने बंदे आए मैं किसी को नहीं जानता अभी तक। मैं खुद नहीं जानता। मैं दो बंदों को जानती हूँ सिर्फ, उनको मैंने कलर्स के जो है अपने यू नो सीरियल्स में देखे हैं। अविनाश है उसका नाम? नहीं नहीं हाँ अविनाश है उसका नाम, दूसरे वाले का नाम शहजाद है ना, उसको नहीं जानते किसी को। और मुझे पता क्या लग रहा है सुनो, जिनकी यू नो अब जो न्यूज आ रही थी जो चार पांच बंदे हैं वो मेरे को लग रहा है आज आएंगे ही नहीं, वो कल आएंगे। जो नए नए चेहरे हैं ना वो आज दिखाएंगे। मैं बताता हूँ और दिग्विजय, मैं चाहता हूँ चार तो आ ही ये हमने चार बंदे जो है वो सुना है, अब पता नहीं आते ये नहीं आते। और अगर ये लोग गाइस आ गए चारों, मेरा 24/7 जो है ये चलने वाला है बिग बॉस, सो लेट्स सी और कौन कौन आ रहे हैं अभी तक चार बंदे आए। चलो देखते हैं आज का बिग बॉस और कौन बात सुनो। मेरे को तो धक्के से देखना पड़ेगा हम लोग क्योंकि ये देखेंगे तो मेरे को धक्के से देखना पड़ेगा। पापा के बोलो तुम भी अभी कितनी देर से देख रहे हो, अब तुम देख रहे हो तो देखोगे, नहीं तो मैं ब्लॉग्स देख लेता हूँ। मैं तो बंद कर देता हूँ, पापा के ब्लॉग्स भी मिस हो जाएंगे सारे। कोई बात नहीं, ब्लॉग्स तुम सुबह भी देख सकते हो। चलो ठीक है देखते हैं अभी बिग बॉस और मिलते हैं उसके बाद। सो गाइस जिनकी उम्मीद थी वो लोग तो बिग बॉस में आए नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, अब जो आए हैं वही देखते हैं इसमें से कौन कौन कैसा होता है। सो बस इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो बहुत सारा लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा और क्या चीज़ अच्छी लगी, और आगे भी आप क्या क्या देखना पसंद करोगे। सो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा अपने सजेशंस ड्रॉप करना और इस वीडियो को बहुत सारा जो है शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सो बस इसको एंड करती हूँ यहीं पर और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।